हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा कूलम्ब्स का नियम। कूलम्ब एक महान साइंटिस्ट थे जिसने कुछ नियम दिया है और आवेश से संबंधित नियम उसने दिया था। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग बहुत एग्जाम में इसे पूछा जाता है और ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, ये फायदेमंद होता है। तो देख लीजिए, कूलम्ब्स ने क्या किया था, दो बिंदु आवेश लिया था, एक बिंदु आवेश Q1 लिया था और दूसरा बिंदु आवेश Q2 लिया था और दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा था। इसके लिए ये दूरी क्या था, उस दूरी को उसने R लिया था। क्या लिया था? R लिया था। और उसने क्या बताया था, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार जो बातें कूलम्ब्स ने बताया था, उसने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच एगो बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। उस बल को हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं? एफ के द्वारा। दो बिंदु, अब जैसे कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, जो दो पिंडों के बीच बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी प्रकार के बल यहाँ पर भी लगता है। आकर्षण बल वो कैसा बल होता है, दो आवेशों के बीच बल लगता है। और वो जो दो आवेशों के बीच बल लगता है ना, वह क्या होता है, दोनों बिंदु आवेशों के Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² हो जाएगा। यही नियम था किसका? कूलम्ब्स का। कूलम्ब्स ने सीधे शब्दों में कहा क्या, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल Q1 तथा Q2 का गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। आर जो उसकी दूरी है ना, उसका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात उसने बताया था। और हाँ, यहाँ पर यही कूलम्ब्स लॉ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कूलम्ब्स लॉ, ये एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। और यहाँ से ये जो समानुपातिकता का चिन्ह हटाइएगा, तो ये जो समानुपातिकता का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है, बराबर दीजिएगा कॉन्स्टेंट आएगा, तो के इंटू हो जाएगा Q1 Q2 / r² इतना हो जाएगा, के इंटू Q1 Q2 / r² हो गया। अब यहाँ पर ये जो k होता है ना, इस k का वैल्यू कितना लिया जाता है, F=1/4πε₀। क्या बोलेंगे इसे, 1/4πε₀, 1/4πε₀। और दोस्तों Q1 तथा Q2 का गुणनफल बट्टा में r², ये नियम था किसका, कूलम्ब्स का। और ये जो 1/4πε₀ होता है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। 1/4πε₀ जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, नियतांक जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है। ये बात उसने बताया था। और इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε₀ का, 1/4πε₀ का ये कितना होता है, 9×10⁻⁹ होता है, इतना होता है, याद रखिएगा 9×10⁻⁹ होता है। तो अगर यही कूलम्ब्स का नियम था और कूलम्ब के नियम का आप प्रयोग भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों, इसके पास जो है ना Q1 के पास आवेश 5 है और इसका पास आवेश 10 का है। 10 कूलम्ब का आवेश एकरा, 5 कूलम्ब का आवेश एकरा पास और 10 कूलम्ब के आवेश एकरा पास और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। तब बताइए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। ये बल को हम यहाँ पर बता देता हूँ, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इसका और इसका गुणनफल तो 5×10 और बटा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमण, वर्ग कितना है, 2 है ना, तो 2 को 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 1/4πε₀ का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 9×10⁻⁹ होती है। ये 4 से तो ये 10 कट ही जाएगा 2.5 में, इतना कट गया। आप सबको गुना कर दीजिएगा तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा, 5×9 = 45 हो जाएगा, × 2.5 हो जाएगा, × 10⁻⁹ हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कर पाएंगे प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न को। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, कूलम्ब्स नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।